नमस्कार विद्यार्थियों, आपसे अपेक्षा है कि आप सभी कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर रहे होंगे। हमारे गांव, शहर, प्रदेश, देश में इस समय हम सब के सामने एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हुआ है और इस संकट में जो हमारा बचाव है वो मास्क से है, घर पर रहने से है और सोशल डिस्टेंस से है। अतः प्लीज़ इसकी पालना करें और अपने परिवार के लोगों को, आसपास के रहने के लोगों में इसके प्रति एक जागरण का आप कार्य करें, एक उनमें जागृति का कार्य करें, उनको सचेत करने का कार्य करें। आज एक जिम्मेदार नागरिक का यह प्राथमिक दायित्व है। धन्यवाद विद्यार्थियों। आज का हमारा टॉपिक रहेगा आर्य समाज, खास करके राजस्थान में जनजागृति में आर्य समाज की भूमिका पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में बताता हूँ, जो कि भारत में पुनर्जागरण के अग्रदूत माने जाते हैं। उनका जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात के मोरवी क्षेत्र में टंकारा ग्राम में हुआ था। बचपन से ही मूर्ति पूजा के विरोधी दयानंद ने 21 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया। ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने कई साधु सन्यासियों की संगति की। 1860 ईस्वी में मथुरा में स्वामी विरजानंद से आपने वेदों का ज्ञान प्राप्त किया। इसी समय से दयानंद ने वेदों को समस्त ज्ञान का स्रोत मानना प्रारंभ किया। अपने गुरु की प्रेरणा से ही स्वामी दयानंद जीवन पर्यंत हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियों और अंधविश्वास को दूर करने में लगे रहे। वैदिक धर्म एवं संस्कृति की पुनर्स्थापना के लिए उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की हिंदी भाषा में रचना की तथा 10 अप्रैल 1875 को बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। अपने विचारों का प्रचार करने के लिए दयानंद ने देश के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण किया। इसी सिलसिले में उनका राजस्थान में भी आगमन हुआ। सर्वप्रथम 1865 ईस्वी की जब हम बात करें, करौली के शासक मदन पाल के आग्रह पर स्वामी दयानंद सरस्वती का राजस्थान में आगमन हुआ। करौली से स्वामी जी जयपुर पहुँचे और वहाँ मूर्ति पूजा एवं मदिरा पान जैसी कुप्रवृत्तियों के विरुद्ध उपदेश दिए। मार्च 1866 में उन्होंने किशनगढ़ में वैदिक धर्म का प्रचार किया तथा पुष्कर में मूर्ति पूजा व वैष्णव मत का खंडन कर एकेश्वरवाद पर बल दिया। अजमेर में उन्होंने एक ईसाई पादरी व मुसलमान मौलवी से शास्त्रार्थ किया एवं AGG कर्नल ब्रुक से भेंट कर गोवध पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया। यहीं से उन्हें राजस्थान की धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक तमाम प्रकार की जो स्थिति है उसकी जानकारी हुई। नवंबर 1866 में दयानंद जयपुर होते हुए आगरा लौट गए। नवंबर 1878 में स्वामी दयानंद जयपुर अजमेर होते हुए पुष्कर पहुँचे और वहाँ उन्होंने उपदेश दिए। मार्च 1881 में उन्होंने जयपुर पहुँचकर वैदिक धर्मसभा की स्थापना की, जो कुछ समय पश्चात आर्य समाज में परिवर्तित हो गई। जयपुर से वे पुनः अजमेर आए। वहाँ उनके पहुँचने से पूर्व ही उनके अनुयायियों ने फरवरी 1881 में आर्य समाज की स्थापना कर दी। अजमेर में
दयानंद जी ने अपने उपदेशों में मूर्ति पूजा एवं सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने का आह्वान करते हुए वैदिक धर्म की श्रेष्ठता सिद्ध की। 1881 की बात, विद्यार्थियों, अक्टूबर का महीना, स्वामी दयानंद सरस्वती बनेड़ा होते हुए चित्तौड़ पहुँचे, जहाँ कवि राजा श्यामलदास चारण ने उनका स्वागत किया। श्यामलदास जी, आपके बारे में विद्यार्थियों आपको जानकारी होनी चाहिए कि आप मेवाड़ रियासत के वहाँ सभासद थे, वहाँ की रियासत ने आपको कवि राजा की उपाधि दी हुई थी, वहाँ की रियासत ने आपको महामहोपाध्याय की उपाधि भी दी। अंग्रेज़ों ने श्यामलदास जी को कैसर ए हिंद की उपाधि दी थी, जो बाद में उन्होंने कभी महात्मा गांधी जी को भी दी। तो ये इतने प्रतिष्ठित और विद्वान व्यक्ति श्यामलदास जी ने उनका स्वागत किया। यहाँ उन्होंने वैदिक धर्म का प्रचार किया। मेवाड़ के सरदार उनके उपदेश सुनने के लिए आया करते थे। सरदार का मतलब विद्यार्थियों, वहाँ के सामंत। महाराणा सज्जन सिंह जी भी उनके उपदेश सुनने के लिए आते थे। महाराणा सज्जन सिंह के आग्रह पर 11 अगस्त 1882 को स्वामी दयानंद सरस्वती उदयपुर पहुँचे। वहाँ उन्हें गुलाब बाग स्थित नौलखा महल में ठहराया गया। उदयपुर में उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश के दूसरे संस्करण को समाप्त किया और उसकी भूमिका लिखी। 27 फरवरी 1883 को स्वामी दयानंद के सानिध्य में उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना की गई और महाराणा सज्जन सिंह जी को इसका सभापति बनाया गया। परोपकारिणी सभा का उद्देश्य धार्मिक एवं सामाजिक सुधार करना था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में आर्य समाज की स्थापना कर ली थी, इसका जिक्र विद्यार्थियों कर चुके हैं। राजस्थान में 13 फरवरी 1881 में अजमेर में आर्य समाज की स्थापना हुई। मार्च 1881 में स्वामी दयानंद ने जयपुर में वैदिक धर्म की स्थापना की, जो बाद में आर्य समाज में परिवर्तित हो गया था। महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के शासनकाल में जोधपुर में भी आर्य समाज की स्थापना हुई। शेखावाटी में पंडित कालूराम शर्मा, नित्यानंद गणपति शर्मा, हरविलास शारदा, चांदकरण शारदा, मास्टर आदित्येंद्र व जुगल किशोर चतुर्वेदी का आर्य समाज के सिद्धांतों के प्रचार प्रसार में प्रमुख योगदान रहा। आर्य समाज ने राजस्थान में भी शुद्धि आंदोलन चलाया। अजमेर में आर्य समाज के मंत्री पंडित कमल नयन शर्मा ने एक ईसाई महिला को वैदिक धर्म में दीक्षित किया। पूर्व में मुसलमान एवं ईसाई बन गए लोग, जो पहले कभी किसी दबाव के कारण या किसी लालच के कारण जो मुसलमान बन गए थे, ईसाई बन गए थे, उन लोगों को आर्य समाज ने पुनः हिंदू धर्म में सम्मिलित करवाया। मार्च 1883 को स्वामी दयानंद सरस्वती जोधपुर के प्रधानमंत्री सर प्रताप सिंह के निमंत्रण पर जोधपुर पहुंचे। जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय, प्रधानमंत्री सर प्रताप सिंह तथा राव राजा तेज सिंह पर स्वामी दयानंद के उपदेशों का व्यापक प्रभाव पड़ा। अपने व्याख्यानों में उन्होंने क्षत्रिय नरेशों के चरित्र संशोधन एवं गोरक्षा पर विशेष बल दिया। भरे दरबार में उन्होंने वैश्यागमन के दोष बताए एवं महाराजा जसवंत सिंह की जो आसक्ति उन्होंने देखी किसी विषय पर, उसके लिए उन्होंने उनको एक वहाँ पर एक यूँ कहें कि उनकी वैश्या थी वहाँ पर, नन्ही जान जिसका नाम था, उसके प्रति जो उनकी आसक्ति थी उसके लिए उन्होंने महाराज को लता डाली। कहा जाता है कि नन्ही जान ने ही अपने अपमान का बदला लेने के लिए गोड़ मिश्र नामक रसोइये के द्वारा उनके भोजन में पॉइजन मिलवा दिया था, जिससे उनका स्वास्थ्य खराब हो गया। जोधपुर से आबू और तदुपरांत अजमेर लाया गया, परंतु काफ़ी चिकित्सा के उपरांत भी वह स्वस्थ नहीं हुए और अजमेर में ही 30 अक्टूबर 1883
उनका देहांत हो गया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वधर्म, स्वराज, स्वदेशी व स्वभाषा पर जोर दिया। उनके राजस्थान में आगमन के समय समाज अशिक्षा, अंधविश्वास तथा सामाजिक कुरीतियों से ग्रसित था। मूर्ति पूजा एवं बाह्य आडंबरों के कारण हिंदू धर्म खोखला होता जा रहा था। स्वामी दयानंद ने अशिक्षा को समाप्त करने, मूर्ति पूजा का खंडन करने एवं वैदिक ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए राजस्थान के विभिन्न जो समय रियासतें थीं उनका भ्रमण किया और अपने उपदेशों के माध्यम से शासक वर्ग में उत्पन्न बुराइयों को दूर करने एवं जनता में जागृति उत्पन्न करने का प्रयास किया। उन्होंने शासकों एवं जनसाधारण को सद्धर्म के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती के उपदेशों का प्रचार प्रसार करने एवं वैदिक धर्म में निहित मान्यताओं को जनसाधारण तक पहुंचाने के लिए सर्वत्र यानी कि अधिक बहुत सारे शहरों में आर्य समाज की शाखाएं स्थापित की गईं। आर्य समाज ने जाति प्रथा का विरोध किया और वर्ण व्यवस्था को कर्म पर आधारित माना, न कि जन्म पर। जाति प्रथा के बंधनों को ढीला करने के लिए आर्य समाज ने अंतर जातीय विवाह करवाए एवं प्रतिभोजों का आयोजन किया। उसमें सभी जातियों के लोग सम्मिलित होने लगे। आर्य समाज ने अस्पृश्यता निवारण हेतु दलित के उत्थान पर बल दिया। उन्होंने घोषणा भी की कि सभी मनुष्य समान हैं, जो जैसा कार्य करता है, जैसा कर्म करता है, वह वैसे ही वर्ण का अधिकारी हो जाता है। चांद कर्ण सारदा ने दलितों के प्रति समाज का दृष्टिकोण परिवर्तित करने के लिए दलितों द्वार नामक पुस्तक लिखी। उनकी पत्नी सुखदा देवी ने भी दलितों द्वार के लिए रचनात्मक कार्य किए। उन्होंने दलितों के साथ खाना खाया और उन्हें समानता का दर्जा दिया। आर्य समाजी चांदकर्ण सारदा ने दलितों की स्थिति सुधारने के लिए काफ़ी प्रयास किए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने व्याख्यानों में बाल्यावस्था में होने वाले विवाह के दुष्परिणामों से भी जनमानस को अवगत कराया। आर्य समाज ने भी इसका प्रबल विरोध किया, इसका, बाल विवाह का। अजमेर के आर्य समाजी कार्यकर्ता हरविलास सारदा बाल विवाह के घोर विरोधी थे। उनके प्रयत्नों से ही 1929 ईस्वी में बाल विवाह अवरोधक अधिनियम पारित हुआ, जिसे सारदा एक्ट भी कहा जाता है। इसमें विवाह की आयु लड़के के लिए कम से कम 18 और लड़की के लिए 14 वर्ष रखी गई। विद्यार्थियों, ये उस समय की बात है। आज लड़की के लिए 18 है और लड़के के लिए 21 है। स्वामी दयानंद के प्रभाव से जोधपुर के प्रधानमंत्री सर प्रताप सिंह ने 1885 में बाल विवाह प्रतिबंधक कानून बनाया। इस प्रकार दयानंद और आर्य समाज के द्वारा बाल विवाह के विरुद्ध जनसाधारण को जागरूक किया गया। आर्य समाज ने विधवा विवाह को भी प्रोत्साहित किया। स्वामी दयानंद सरस्वती कम उम्र में विधवा होने वाली स्त्री एवं पुरुषों के पुनर्विवाह के पक्षपाती थे। चांदकर्ण सारदा ने विधवा विवाह नामक पुस्तक लिखकर विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया। अजमेर में आर्य समाज के कार्यकर्ताओं के प्रयासों से सर्वाधिक विधवा विवाह हुए। बांदीकुई, शाहपुर, सांभर, भरतपुर, बीकानेर, जोधपुर आदि स्थानों पर भी आर्य समाज के प्रयासों से विधवा विवाह हुए। वैदिक युग में महिलाओं में पर्दा का प्रचलन नहीं होने का उदाहरण देकर स्वामी जी ने पर्दा प्रथा का भी विरोध किया। उनका कहना था कि चरित्र की रक्षा के लिए पर्दा का होना जरूरी है, वरन जीवन यापन के श्रेष्ठ संघ से चरित्र की रक्षा की जा सकती है। मैं इस पंक्ति को विद्यार्थियों पुनः दोहरा रहा हूँ कि चरित्र की रक्षा के लिए पर्दा का होना जरूरी नहीं है, क्योंकि चरित्र आत्मा का गुण है। तो उन्होंने कहा कि वेदों में पर्दा नहीं था, वैदिक काल में नहीं था, तो इस समय भी
ये जो घूंघट जो प्रथा है, इस प्रथा को उन्होंने हटाने की वो वकालत की। आर्य समाज ने पर्दा प्रथा को दूर करने के लिए स्त्री शिक्षा पर जोर दिया। स्वामी जी ने कर्मकांडों एवं कुप्रथाओं का घोर विरोध किया। आर्य समाज ने शिक्षा के प्रचार के लिए अनेक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की। अजमेर में आर्य समाज एजुकेशन सोसाइटी ने DAV कॉलेज की स्थापना की। बालिका शिक्षा के लिए भी आर्य समाज ने स्कूल खोले। आर्य समाज की शिक्षण संस्थाओं में हिंदी व अंग्रेजी के साथ ही वैदिक धर्म एवं संस्कृत की शिक्षा भी दी जाती थी। राजस्थान की रियासतों में जनजागृति उत्पन्न करने एवं लोगों में राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न करने में भी आर्य समाज ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जयपुर में जनचेतना उत्पन्न करने का श्रेय आर्य समाज के कार्यकर्ताओं को ही जाता है। 1922 में इसके तत्वावधान में ठाकुर कल्याण मल ने हिंदी जयपुर में हिंदी को राजभाषा बनाने का एक आंदोलन चलाया। 1900 में वासुदेव खंडेलवाल ने अलवर में आर्य समाज की स्थापना की और इसके माध्यम से अलवर में जनजागृति का कार्य किया। 1911 में करौली में यमुना प्रसाद व ज्वाला प्रसाद ने आर्य समाज की स्थापना कर लोगों में राष्ट्र चेतना उत्पन्न करने का कार्य किया। धौलपुर में भी आर्य समाज के कार्यकर्ता ज्वाला प्रसाद व जौहरीमल इंदु ने जन जागृति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भरतपुर में तो राष्ट्र चेतना व जनजागृति उत्पन्न करने का पूरा श्रेय ही आर्य समाज को है। 1920 तक भरतपुर के सभी बड़े कस्बों में आर्य समाज की स्थापनाएँ खुल चुकी थी। आर्य समाज के नेतृत्व में यहाँ स्वदेशी एवं राष्ट्रभाषा हिंदी के समर्थन में आंदोलन हुए। मास्टर आदित्येंद्र व जुगल किशोर चतुर्वेदी जैसे आर्य समाज के कार्यकर्ताओं ने भरतपुर में जन जागृति उत्पन्न करने का कार्य किया। राजस्थान के धार्मिक एवं सामाजिक जीवन में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करने एवं उनके विरुद्ध वातावरण निर्माण करने में भी स्वामी दयानंद सरस्वती एवं आर्य समाज की महत्वपूर्ण भूमिका रही। आर्य समाज ने सामाजिक परिवर्तन के लिए शिक्षा को महत्वपूर्ण माना और इसके तत्वावधान में अनेक शिक्षण संस्थाएँ स्थापित की। राजस्थान के राज्यों में प्रजामंडलों की स्थापना से पूर्व जन जागृति एवं राष्ट्र चेतना उत्पन्न करने का श्रेय आर्य समाज के कार्यकर्ताओं को ही जाता है। 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक एवं तीसरे दशक में आर्य समाज एक धार्मिक एवं सामाजिक संस्था के साथ साथ राजनीतिक संस्था भी बन गया। वेलेंटाइन शिरोन ने आर्य समाज को एक राजनीतिक संस्था की संज्ञा दी है। वेलेंटाइन शिरोन ने स्वामी दयानंद सरस्वती एवं आर्य समाज के जब कार्यों को देखते हैं, इन्होंने राजस्थान में स्वतंत्र विचारों के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार की। आर्य समाज ने हिंदी भाषा, वैदिक धर्म, स्वदेशी एवं स्वदेशाभिमान की भावना उत्पन्न की। राजस्थान में राजनीतिक जागृति एवं शिक्षा प्रसार में भी आर्य समाज का महत्वपूर्ण योगदान रहा। आर्य समाज ने सामाजिक कुरीतियों के विरोध के साथ साथ सर्वत्र खादी प्रचार, हरिजन उद्धार एवं प्रारंभिक शिक्षा का प्रसार किया। गैर राजनीतिक उद्देश्य के लिए स्वदेशी का समर्थन करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती पहले व्यक्ति थे। आज भी समाज में स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज का प्रभाव देखा जाता है। आज भी आर्य समाज समाज में व्याप्त बुराइयों, आडंबरों, कुप्रथाओं, ऐसी सब बुराइयों के प्रति कार्य कर रहा है। आर्य समाज के लोग बहुत सारे गांव जो लोग हैं वो आर्य समाज के विचारधारा से प्रभावित हैं। लोग दहेज नहीं ले रहे हैं, मृत्युभोज लोग जो है वो नहीं कर रहे हैं। तो
और जो धार्मिक कर्मकांड है उस धार्मिक कर्मकांड में लोग जो है वो उनको भी तिलांजलि दे चुके हैं। तो आर्य समाज तब से लेके आज तक लगातार समाज के अंदर एक चेतना का कार्य कर रहा है, सामाजिक बुराइयों को दूर करने का कार्य कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।